और इस वक्त सीधा रुख करते हैं अयोध्या का, जहां से हमारी सहयोगी शालिनी मौजूद है, जो कि पल पल की अपडेट और तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। इस वक्त शालिनी भजन मंडली के साथ मौजूद है, जहां पर राम भक्त जो है गीत गाते हुए नजर आ रहे हैं। शालिनी, क्या कुछ तस्वीरें, किस तरीके का माहौल है वहां पर? मोरी सुधारही सो सब भाती, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। अयोध्या का यही हाल, यही तस्वीर हर रोज रहती है, लेकिन आज चूंकि 5 तारीख है तो आज का दिन अयोध्या वासियों के लिए और ज्यादा खास हो जाता है। और देखिए, जी हिंदुस्तान के जो दर्शक है उन्हें बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अयोध्या की हर तस्वीर, हर रंग, हर चित्र आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और अभी किस तरह से यहाँ लगातार भजन मंडली भजन कर रही है और किस तरह से शंखनाद हो रहा है, वो तस्वीरें आप लोगों के सामने है। खास बात आपको मैं ये बताऊं कि आपको शंख बजाते हुए जो अभी संत महात्मा दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने 1,00,000 बार शंख बजाने का संकल्प अयोध्या के अंदर लिया है। और आज अगर 5 अगस्त की मैं बात करूं तो 41,000 बार इन्होंने शंख बजा भी लिया है। इनका कहना है कि संकल्प इनका 11,00,000 बार शंख बजाने का है, लेकिन खास करके अयोध्या में ये 1,00,000 बार शंख बजाएंगे और शंख की ध्वनि गूंजेगी, जैसी तस्वीरें भी आपको दिखाई दे रही हैं। और क्यों खास है 5 अगस्त का दिन अयोध्या के लिए, वो भी यहाँ हम भजन मंडली से पूछेंगे, संत महात्मा से पूछेंगे। आपको मैं बताऊं, हनुमानगढ़ी मंदिर के अंदर मैं मौजूद हूँ, मंदिर परिसर में इस वक्त मैं हूँ। और वैसे तो राम की धुन, हनुमान की धुन यहाँ हर वक्त दिखाई देती है, लेकिन आज चूंकि 5 अगस्त का दिन है तो उत्साह और ज्यादा दुगना हो गया है। और मेरे साथ जो अभी पंडित जी मौजूद है, चरणदास जी इनका नाम है। चरणदास जी, क्यों खास है 5 अगस्त का दिन आपके लिए? 5 अगस्त क्यों खास है आपके लिए? अरे योगी जी आए हुए हैं और हो सकता जल्दी मंदिर बन जाए, देखो प्रभु की कृपा है तो जो चाहेंगे वही होगा, और तो कोई बात नहीं है। और ये रही बात, ये हमारे जो विकलांग हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता है, इनको 1,000 रुपया बोला था कि पेंशन बांध देंगे। मैं साधु संत जो विकलांग है उनको तो करना चाहिए ना, ये बात है कि मतलब उनको पेंशन बांध दे, जो गरीब है उनको तो बांधना चाहिए ना इनको, ये भी कुछ नहीं किया इन्होंने, 5 साल पूरे व्यतीत कर दिए अपने। हाँ, फिर भी कुछ मन में रोष अभी समझ में आ रहा है आपके, तो अभी और बहुत काम करना बाकी है, आप ऐसा कह रहे हैं? क्या बाकी, 5 साल हो गए कोई काम नहीं हुआ, अब काम बाकी रखोगे, अब क्या बाकी रखोगे? देखिए, संत महात्मा जो हनुमानगढ़ी में इस वक्त बैठे हुए हैं उनके अंदर भी थोड़ा रोष है। अच्छा, मैं एक बार अंदर जाकर के आपको बताती हूँ, जैसे मैंने कहा कि शंख बजाने का उन्होंने संकल्प लिया हुआ है, हमारा माइक बंद कर दो, पूछ करके मैं आपको बताती हूँ कि ये संकल्प संकल्प शंख बजाने का संकल्प आपका क्या है? जी, अयोध्या में भव्य रूप से भगवान श्री राम जी का मंदिर निर्विघ्न पूर्वक निर्माण हो, इसलिए भूमि पूजन में 11,000 बार शंखनाद किया था, उस समय में 1,25,000 बार का शंखनाद का संकल्प अयोध्या जी में लिया था। तो तस्वीरें आप देख रहे थे हनुमानगढ़ी अयोध्या से, जहां पर भजन कीर्तन का माहौल है और पूरी अयोध्या एक बार फिर से राममय है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए अयोध्या की तस्वीर भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 26वीं बार पहुंचे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आया ये भी हम आपको बताते हैं, और उसके बाद 2023 में रामलला के दर्शन शुरू हो जाएंगे, यानी काम लगभग पूरा हो जाएगा। योगी ने दशहरा बनाई, ये तस्वीर अलग अलग है। देखिए, सीएम के तौर पर 26वीं बार दर्शन किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अप्रैल 2022 तक गर्भगृह का निर्माण हो जाएगा, दिसंबर 2023 तक रामलला के दर्शन शुरू हो जाएंगे और 2025 तक मंदिर निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। तो ये वो साल दर साल कैसे अयोध्या के विकसित होने की ये तस्वीर है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां के लिए बन रहा है, उसके लिए एक अलग से बजट रखा गया है, तमाम विकास कार्य हो रहे हैं। और जब से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, देखिए 26वीं बार जा चुके हैं, शायद ही कोई मुख्यमंत्री इतनी बार अयोध्या गया हो, और इनका तो लगाव ही अयोध्या से एक बेहद अलग तरीके का है, बल्कि जिस मठ के ये महंत हैं उस मठ का लगाव बहुत अधिक है, क्योंकि महंत अवैधनाथ जो योगी आदित्यनाथ के गुरु, उन्होंने राम मंदिर के लिए एक
बड़ी और लंबी लड़ाई लड़ी थी, और यही वजह है कि जो तस्वीर हमें देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि योगी आदित्यनाथ के बहुत करीब अयोध्या, और हमेशा जाते रहते हैं दर्शन करने के लिए। और अब एक बार फिर से जब राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है, तो अब देखा जा रहा है कि एक बार फिर से अयोध्या को विकसित करने की वो सारी तैयारी, सारे काम यूपी सरकार कर रही है। तो धर्म की नगरी, आस्था की नगरी अयोध्या को नए सिरे से पूरी तरीके से विकसित करने की जो योजना है यूपी सरकार की तरफ से है, उसी के तहत अयोध्या का निर्माण भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 अगस्त ये ऐतिहासिक तारीख है जब पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भव्य राम मंदिर की नींव रखी थी। हालांकि आज इसकी पहली वर्षगांठ है और इसे एक बार फिर से अहम क्षण के तौर पर विकसित करने के लिए खुद योगी आदित्यनाथ पहुंचे, और इसके साथ ही साथ अन्न महोत्सव का आगाज भी किया गया। 1 करोड़ लाभार्थियों को सीधा इसका जो फायदा मिला है, कुछ लाभार्थियों से आज बात भी की और बताने की कोशिश की गई कि किस तरीके से योगी सरकार न केवल अयोध्या के लिए बल्कि पूरे प्रदेश की जनता के लिए काम कर रही है, कौन कौन सी विकास योजनाओं का यूपी सरकार अमली जामा पहनाती हुई नजर आ रही है उसका भी जिक्र किया गया। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए राम मंदिर की नींव, जिस कुल 44 नींव बताई जा रही है, जिसमें से 25 नींव का काम पूरा हो चुका है, भराई का काम पूरा हो चुका है, और उम्मीद यही है कि इस साल के अक्टूबर तक ये नींव का काम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और फिर अगले साल जो है निर्माण कार्य शुरू होगा। और संभावना यही है कि 2023 तक ये निर्माण कार्य इतनी तेजी से आगे बढ़े कि 2023 से ही फिर दर्शन का लुत्फ आम लोग उठाने लगे और 2025 में जो मॉडल हम लगातार भव्य राम मंदिर का आपको दिखा रहे हैं वो मॉडल बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन फिलहाल भराई का काम लगातार जारी है क्योंकि कई लेयर्स है मजबूती के साथ इस राम मंदिर को बनाना है। ऐसे में कोई भी लापरवाही, कोई भी चूक ना हो, इसको लेकर लगातार फाइनल टच देने के साथ साथ निरीक्षण का काम भी चल रहा है। और अभी तक जानकारी ये मिल रही है कि 25 लेयर का काम पूरा हो चुका है। और देखिए जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो उनका किस तरीके से स्वागत किया गया। योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने क्योंकि 5 अगस्त 2020 यही वो तारीख है जब हर किसी के लिए बहुत खास ये दिन रहा क्योंकि कई सालों से लगातार ये एक राजनीतिक मुद्दा भी बना हुआ था अयोध्या कि राम मंदिर का निर्माण होगा नहीं होगा, इसको लेकर ना जाने कितने लोगों की जाने भी गई, लेकिन आखिरकार वो सपना अब सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहली तस्वीर में आज की है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और रामलला के दर्शन किए, और जो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो पिछले साल यानी ठीक आज के एक साल पहले 5 अगस्त 2020 की है जब भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। और प्रधानमंत्री जब से बने थे नरेंद्र मोदी तब से ये बार बार उनसे सवाल पूछा जाता था तमाम मंचों पर, तमाम जगहों पर कि आखिर प्रधानमंत्री अयोध्या कब आएंगे, क्योंकि विपक्ष ये कहता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो जब प्रधानमंत्री आए तब वो सीधे भूमि पूजन वाले दिन आए, यानी आज से ठीक एक साल पहले वो पहुंचे थे। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी उनके साथ थे क्योंकि एक बड़ा सपना लेकर के आए थे कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में दो जगहों को खास तौर पर, एक अयोध्या और दूसरा काशी का भी जिक्र करेंगे, लेकिन अयोध्या की तस्वीरें चूंकि आपके सामने हैं तो अयोध्या की बात करते हैं। और बार बार ये सवाल उठ रहा था कि आखिर कब अयोध्या आएंगे प्रधानमंत्री। तो ठीक एक साल पहले 5 अगस्त 2020 को अयोध्या पहुंचे प्रधानमंत्री, उन्होंने भूमि पूजन की और उसी दिन से राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो गया। और देखते देखते आज एक साल पूरा हो गया। इस एक साल के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो भी आपको बताते हैं। 2 साल पहले 5 अगस्त को 370 हटाया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन हुआ और 5 अगस्त को ही ओलंपिक में भारत ने हॉकी में मेडल जीता, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। आज ही उत्तर प्रदेश में अन्न योजना का पुण्य काम हो रहा है। इसमें भी आज की ये 5 अगस्त, ये 5 अगस्त की तारीख बहुत विशेष बन गई है, बहुत महत्वपूर्ण बन गई है। इतिहास इसको सालों तक दर्ज करेगा। ये 5 अगस्त ही है जब 2 साल पहले देश ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को
और सशक्त किया था। करीब करीब 7 दशक के बाद 2 साल पहले 5 अगस्त को ही आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को हर अधिकार हर सुविधा का पूरा भागीदार बनाया गया था। यही 5 अगस्त है जब पिछले साल कोटि कोटि भारतीयों ने सैकड़ों साल बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण की तरफ पहला कदम रखा। आज अयोध्या में तेजी से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और आज 5 अगस्त की तारीख फिर एक बार हम सभी के लिए उत्साह और उमंग लेकर आई है। आज ही ओलंपिक के मैदान पर देश के युवाओं ने हॉकी के अपने गौरव को फिर से स्थापित करने की तरफ बड़ी छलांग लगाई है। करीब 4 दशक के बाद ये स्वर्णिम पल आई है जो हॉकी हमारी राष्ट्रीय पहचान रही है। आज हमारे युवाओं ने उस गौरव को पुनः हासिल करने की तरफ बहुत बड़ा देश को तोहफा दिया है। हमारा देश हमारे युवा भारत के लिए नई सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं। जीत का गोल के बाद गोल कर रहे हैं। तो वहीं देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीतिक स्वार्थ के में डूब करके ऐसी चीजें कर रहे हैं, लगता है सेल्फ गोल करने में जुटे हैं। 100 साल में आया हुआ, पहली बार आया हुआ इतने बड़े संकट से बाहर निकलने के लिए जी जान से देश का हर नागरिक जुटा है, प्रयास कर रहा है। और ये लोग कैसे देश हित के काम को रोका जाए इसकी स्पर्धा में लगे हैं, इस होड़ में जुटे हैं। लेकिन साथियों, ये महान देश, इस देश की महान जनता ऐसी स्वार्थ और देश हित विरोधी राजनीति का बंधक नहीं बन सकता। ये लोग देश को, देश के विकास को रोकने की कितनी भी कोशिश कर लें, ये देश इनसे रुकने वाला नहीं है। वो संसद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 130 करोड़ की जनता देश को रुकने न देने में लगे हुए हैं। हर कठिनाई को चुनौती देते हुए देश हर मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।